Assalamu alaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics. और इस सीरीज में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है और आज इस वीडियो में हम कुछ डेरिवेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं विच इज़ इंटरनल डिवीजन बाय अ पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट हमें दिया जाएगा जिसका हमें ये बताना है कि वो किसी पर्टिकुलर लाइन को इंटरनली किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. अगर वो डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे. सही है ना. तो आपके पास फॉर्मूला जो होता है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हमारे पास रेशियो गिवन है उसका, ठीक है, रेशियो है हमारे पास m बाय n, ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन आ गई. ठीक है, इस लाइन को मैं बेसिकली कंसिडर कर रहा हूँ विच इज कंसिस्टिंग ऑफ a एंड b, और ये पॉइंट हमारे पास सपोज कर देते कुछ यहाँ पर मौजूद. ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी का. ये पॉइंट हमारे पास यहाँ मौजूद है और ये इस लाइन को देखिए किस रेशियो के लिए डिवाइड कर रहे हैं. अगर मैं इसके तीन पोर्शंस बनाऊँ तो यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक पोर्शन ये हो जाएगा और बाकी के दो पोर्शन हमारे पास ये होंगे. तो ये बेसिकली हमारी लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 1/2 के रेशो में, है ना. तो इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, 1/2 रेशो कहेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास 1 है यहाँ पे उसको मैं m से रिप्लेस कर रहा हूँ और जो n है उसको मैं जो 2 है उसको मैं n से रिप्लेस कर रहा हूँ. तो ये हमारे पास एक इंटरनल डिवीजन है. सही है, और जो c के पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इसके पॉइंट्स को मैं कह देता हूँ x, y. इसके पॉइंट्स हैं, a का पॉइंट मेरे पास x1, y1 एंड b के जो पॉइंट्स वो है x2, y2. तो जो हमारे पास x का फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास x आ रहा है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. सिमिलरली जो y के y वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. ठीक है, अब अक्सर स्टूडेंट्स के पास जब ये फॉर्मूला आता है तो एक सवाल उनके माइंड में आता है कि सर किस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला वजूद के अंदर आया, है ना, ये फॉर्मूला बना कैसे हमारे पास, है ना. क्योंकि ये बात देखा जाए तो इस पिक्चर को देख के वाजे नहीं हो रहे. ठीक है ना, ये जो हमारा फिगर बनी हुई है, जो इमेज बनी हुई है, जो डायग्राम है, इसको देख के ये बात वाजे नहीं हो रही. तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव किया है उसको हम देखते हैं ज़रा, ठीक है, ताकि ये याद करने में भी हमें आसानी हो. भाई स्टार्ट लेते हैं हम इसके डेरिवेशन से. स्टूडेंट्स इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं भाई. तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली वाई एक्सिस की और ये हमारे पास आ गया हमारा एक्स एक्सिस. ठीक है, इसमें ज़रा एक्सटेंड कर, ठीक है, और इसी तरह वाई एक्सिस को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर. ठीक हो गया. अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई एक्सिस का, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है. ठीक है, इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन लेकर आ रहे हैं. सपोज करते हैं इस लाइन पे हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. सही है, मैं इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. भाई जो मेरे पास पॉइंट ए है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास x1 का डिस्टेंस है और ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास y1 है. सिमिलरली ये जो हमारे पास पॉइंट बी आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा x2, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेसिकली y2. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास ए और बी के पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूँ तो ए का जो पॉइंट है स्टूडेंट वो हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और जो बी के पॉइंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे x2, y2. सही है. अब सपोज करते हैं कि भाई इस लाइन पे हमने आर्बिट्रेली एक सी का पॉइंट जो है कंसिडर कर लिया. सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास कहीं पे सी का पॉइंट मौजूद है. सही है, कितना दूर है भाई ये सी का पॉइंट, तो इसको मैंने यहाँ से सपोज किया कि ये हमारे पास दूर है एक्स डिस्टेंस दूर. सही है, और वर्टिकल में हमारे पास ये है वाई डिस्टेंस दूर. तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y. सही है, अब ये जो पॉइंट जिस रेशो के अंदर ब्रेक कर रहा है उस रेशो को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया m और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया n का. ठीक हो गया, अब यहाँ से हम जो है थोड़ा डायग्राम
स्टार्ट लेते हैं हमारी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ और एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, सही है। अब मुझे बताइए ये जो हमारे पास लाइन आ रही है, ये जो हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास, है ना। ए बी की जो लाइन थी ये स्ट्रेट लाइन थी। तो मुझे पता है ये जो एंगल होगा, चाहिए ये एंगल हमारे पास थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है ये भी क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये भी एंगल कैसा बनेगा भाई, थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि जो ऊपर एंगल मौजूद है वो कौन सा एंगल है? सर ये हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना भाई। ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, आप सबने ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। सिमिलरली ये जो एंगल है ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा का एंगल। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, ठीक है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों एंगल्स जो हैं वो सिमिलर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल होंगे ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे दोनों, सही है। और सिमिलर ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई उनके रेशो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनके रेशो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे रेशो की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं बात करता हूँ इस हाइपोटेन्यूज की, विच इज़ एम, और इस बेस की, ठीक है। बेस की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे बेस हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं लाइन को कंसीडर करूँ तो इसका डिस्टेंस हमारे पास पूरा x के बराबर है ना, ये पूरी लाइन है x के बराबर। और मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ इतने से पोर्शन में, मतलब मुझे ये जो पोर्शन है ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये जो पोर्शन है मुझे हटाना पड़ेगा। तो कितना मैं यहाँ से माइनस कर दूँ, तो भाई यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो एक्स वन के बराबर है, मतलब एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। सिमिलरली इस पोर्शन की बात करें, इस बेस की बात करें, तो ये कंप्लीट एक्स के बराबर, एक्स टू के बराबर, सही। और इसमें से हमें ये पोर्शन माइनस करना है, ये पूरा पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पूरा पोर्शन एक्स के बराबर हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स, सही हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट्स, यहाँ तक आएंगे सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर होगी, ठीक है। तो यहीं से हम स्टार्ट ले रहे हैं। हमने कहा कि जो हमारे पास रेशो है, ठीक है, एम अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, सही, यहाँ पे लिख देते हैं एम ओवर एक्स माइनस एक्स वन। बेसिकली यहाँ पे हम इसके लिए फाइंड आउट करें, हम बात कर रहे हैं एक्स की फॉर एक्स, ठीक है। तो हमने कहा एम अपॉन एक्स माइनस एक्स वन ये बराबर हो जाएगा एन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, है ना, एन ओवर एक्स टू माइनस एक्स, सॉरी सिर्फ एक्स है, ठीक हो गया। तो आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो रही होगी, है ना। ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल्स टू दिस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो ये रेशियो आपस में इक्वल आ गए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो x2 माइनस x1 x है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो इट विल बी m टाइम्स x2 माइनस x एंड दिस विल बी n टाइम्स x माइनस x1, सही है। तो भाई जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन, सही है। तो भाई यहाँ से इस वैल्यू को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और एन एक्स वन को यहाँ शिफ्ट करवा देंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कर लेते हैं। तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन is equals to nx plus mx, ठीक है। इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि भाई mx plus nx is equals to mx2 plus nx1, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स बच जाएगा m plus n is equals to mx2 plus nx1, सही है। और m plus n मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा डिवाइड, इट विल बी x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो स्टूडेंट्स ये छोटी सी डेरिवेशन थी हमारे पास फॉर द पॉइंट्स ऑफ
एक्स, सही है। अब अगर हम बात करते हैं वाई के लिए हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स वाई के लिए बड़ा ही आसान है। यहाँ पे जहाँ हमने हाइपोटनियस और बेस को कंपेयर किया था उसके रेशियो की बात की थी, अब हम बात कर लेंगे हाइपोटनियस एंड परपेंडिकुलर की, सही है। तो ज़रा इसको करके देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिएगा भाई, यहाँ पे अगर मैं y की बात करता हूँ, ठीक है, तो y के लिए सबसे पहले तो यहाँ से लेके हमें यहाँ तक मेजर करना है, ठीक है ना, इस पॉइंट के मेजरमेंट की बात करनी है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, कंप्लीट डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं यहाँ तक अगर ले लेता हूँ, तो ये इस कम्प्लीट डिस्टेंस की मैं बात करूँ, ये हमारे पास बराबर है वाई के। और इसमें से मुझे जिस डिस्टेंस के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ वो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है, ये पोर्शन, जो कि किस तरीके से आएगा, अगर मैं इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, तो ये पोर्शन किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये पोर्शन बराबर है मेरे पास वाई वन के, है ना, जीरो से लेके वाई वन तक का डिस्टेंस वाई वन कहलाएगा। मतलब मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस अगर चाहिए, वाई से लेके यहाँ तक का वाई वन तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन। सिमिलरली इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा वाई टू माइनस y, है ना, ये पूरा यहाँ तक जो है हमारे पास y2 के बराबर है, जिसमें से हमें ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है, मतलब y को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब ज़रा बात करते हैं भाई फॉर, और यहाँ पे देखें n और ये वैल्यू, तो ये आ जाएगी n ओवर y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट्स, तो इट विल बी एम वाई टू माइनस एम वाई वन, एम वाई इज इक्वल्स टू एन वाई माइनस एन वाई वन, सही है। अब अरेंज करना है भाई, एम वाई को वहाँ शिफ्ट करवा दें और एन वाई वन को इस तरफ ले आए, तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन इज इक्वल्स टू एन वाई प्लस एम वाई, सही है। इसको मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ कि एम वाई प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन, और y को कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स ये बच जाएगा m प्लस एन इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एम प्लस एन मल्टीप्लाई हो रहे वहाँ जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो काफ़ी सिंपल थी इसकी डेरिवेशन, सही है, आई होप आप सबको इसकी डेरिवेशन समझ आई होगी, ठीक है। तो अब ज़रा इसका एक क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 से, ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें पहले यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.1, सही, क्या कह रहा है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 4, -3, सही है। तो एक जो लाइन सेगमेंट है वो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर रही है, सही है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ए पॉइंट जो गिवन है वो है 4, -1, ठीक है, और जो बी का पॉइंट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास गिवन है 4, 3, सही है। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट थी जिसमें एक पॉइंट यहाँ पे बी का मौजूद है और एक पॉइंट यहाँ पे ए का मौजूद है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो हमारे पास डिवीजन का पॉइंट आ रहा है, सही ना, जो इसको डिवाइड कर रहा है वो 3:1 के उसमें डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके चार पोर्शंस बनाते हैं, 1, 2, 3 और 4, है ना भाई, तो ये चार मैंने इक्वल पोर्शंस बना दिए, मतलब जो हमारे पास पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद है, तो ये 1 का रेशो हो गया और ये जो हमारे पास आ रहा है ये 3 का रेशो हो गया, सही हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट मौजूद है उसको मैंने कहा ये मेरे पास सी का पॉइंट है,
और मुझे इसी के कोऑर्डिनेट्स बताने एक्स कॉमा वाई, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। सही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेशो है एम रेशो एन, ये बराबर है 3:1 के, है ना, 3:1 के बराबर है। मतलब एम हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 के और एन हो जाएगा हमारे पास 1। सिमिलरली दिस विल बी एक्स वन, दिस विल बी वाई वन, दिस विल बी एक्स टू एंड दिस विल बी वाई टू। तो x की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय, ठीक है, एम प्लस एन। सही हो गया है। तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3 और x2 की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 प्लस n की जगह आएगा 1 और x1 हो जाएगा हमारे पास 4 के बराबर डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 3 प्लस 1, तो इट विल बी 3/4 12 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा अगेन 4, इट विल बी 16/4। मतलब फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है x का, 4 ही आ रहा है। सही है। फर्दर बात करते हैं भाई y के पॉइंट की, तो y के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है m y2 plus n y1 divided by m plus n। तो भाई m की जगह रख देंगे 3, y2 हमारे पास हो जाएगा 3 के बराबर प्लस n की जगह रखेंगे 1 और y1 है -1 divided by m plus n, मतलब 3 plus 1, तो it will be 9 minus 1 divided by 4, तो ये होगा 8/4। मतलब फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 2। तो भाई जो हमारे पास c का पॉइंट है, ठीक है, वो है c x comma y is equals to 4,2 के बराबर। सही, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स समझ आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी इजी हमारे पास इसकी डेरिवेशन थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम एक्सटर्नल डिवीजन की डेरिवेशन भी देखेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।